I am Arnaja going to discuss about worksheet number 11 of class 8 mathematics. This worksheet is for 27th August 2021. This worksheet is continuation of a square and a square root. You have already studied in previous worksheet also. Here you have given an interesting an interesting story. It इंटरेस्टिंग स्टोरी दिया हुआ है ट्वीन सिस्टर जुड़वा बहन प्रिया और रिया हैव बीन डिस्कसिंग अबाउट री ओपनिंग ऑफ द स्कूल प्रिया और रिया आपस में स्कूल खुलने के बात कर रही है आवर वेन आवर स्कूल री रीओपन्स ड्यूरिंग द असेंबली सेशन वी विल स्टैंड मेंटेनिंग डिस्टेंस ऑफ सिक्स फीट फ्रॉम ईच अदर्स यानी जब स्कूल खुलेंगे तो हमें आपस में जब मॉर्निंग असेंबली होगी तो छः फिट की दूरी पर खड़ा रहना है अब एरिया सेड दैट देयर आर वन थाउजेंड ट्वेंटी सेवन स्टूडेंट्स इन आवर स्कूल एंड वी ऑल विल स्टैंड इन फॉर माई स्क्वायर सच दैट ईच रो कंसिस्ट ऑफ़ एज मैनी स्टूडेंट्स एज द नंबर ऑफ कॉलम्स हाउ ब्यूटिफुल इट विल लुक यानी रिया कह रही है जो कि हमारे स्कूल में एक हज़ार सत्ताईस बच्चे हैं वन थाउजेंड ट्वेंटी सेवन स्टूडेंट्स यदि हम इस तरह से स्क्वायर के रूप में खड़े हों यानी जितने नंबर ऑफ़ रोज हैं उतने ही नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं इन ईच रो में मतलब जितने नंबर ऑफ रो है उतने ही नंबर ऑफ कॉलम हैं कितना बढ़िया होगा जैसे कि यहाँ दिया हुआ है टोटल रो विल बी सेम एज नंबर ऑफ चिल्ड्रेन इन वन कॉलम वन कॉलम में जितने हैं उतने ही नंबर ऑफ रो भी है एक दो तीन चार एक दो तीन चार इस तरह खड़े हो अब उस पर प्रिया कह रही है प्रिया रिप्लाइड दैट वन थाउजेंड ट्वेंटी सेवन चिल्ड्रेन कैन टेक द शेप ऑफ स्क्वायर रिया कह रही है जो कि ये एक हजार सत्ताईस बच्चे जो है उससे स्क्वायर शेप नहीं बन पाएगा अब इसमें रिया गुस्से में आ जा आ जाती है रिया आस्क दैट हाउ कैन यू से कैसे तुम कह सकती हो डू यू नो द मेथड ऑफ फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर 1027 क्या तुम जानती हो जो कि स्क्वायर रूट एक हजार का स्क्वायर रूट निकालना जानती हो प्रिया रिप्लाइड दैट आई नो द मेथड टू फाइंड टू स्क्वायर ऑफ एनी नंबर मैं किसी नंबर का स्क्वायर निकालना तो जानती हूं बट डोंट नो हाउ डोंट नो द मेथड ऑफ टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर लेकिन मैं स्क्वायर रूट किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना नहीं जानती बट आई कान सेवेंटी सेवन चिल्ड्रेन कान टेक देप ऑफ स्क्वायर यानी मैं ये कह सकती हूं जो कि एक हजार सत्ताईस से स्क्वायर नहीं होगा अब स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए रिया कह रही है प्रिया सेड लुक दैट द टेबल गिवन बिलो ये नीचे दिए गए टेबल को ध्यान से देखो अब इसको हम देखते हैं तो एक से लेके चालीस तक है आप भी अपने कॉपी में लिख लें और याद करने की कोशिश करें तो यहाँ पे देखिए एक का स्क्वायर एक हो एक का स्क्वायर एक होता है दो का स्क्वायर चार तीन का स्क्वायर नौ चार का स्क्वायर सोलह पाँच का स्क्वायर पच्चीस छः का स्क्वायर छत्तीस थर्टी सिक्स सेवन का स्क्वायर फोर्टी नाइन एट का स्क्वायर सिक्सटी फोर नाइन का स्क्वायर एटी वन टेन का स्क्वायर हंड्रेड यहाँ भी इसी प्रकार नीचे भी दिया हो तो इधर देखते ट्वेंटी वन का स्क्वायर फोर फोर वन ट्वेंटी टू का फोर एट तो इस दोनों में देखते वंस प्लेस पे वन है यहाँ भी और यहाँ भी स्क्वायर जिसको करना है तो इसको स्क्वायर करने पे क्या आ रहा है दोनों में वन आ रहा है दो है तो टू का फोर आ रहा है टू फोर नाइन सिक्स फाइव सिक्स नाइन फोर वन और जीरो यही आ रहा है इसमें देखे दोनों में वन फोर नाइन सिक्स फाइव सिक्स नाइन फोर वन जीरो तो यही लिख दिया प्रिया डू यू ऑब्जर्व समिंग अब प्रिया कह रही है जो कि इसको नोटिस uh, कर रही हो रिया वाट प्रिया देयर आर सम डिजिट्स विच कम अगेन कुछ डिजिट है जो कि बार बार आ रहे हैं ठीक है यूनिट प्लेस पे स्क्वायर करने पे और कुछ स्पेसिफिक पैटर्न भी आ रहे हैं बट देयर आर सम डिजिट आल्सो विच कैन कम एट यूनिट्स प्लेस कुछ ऐसे भी नंबर है जो कि वंस प्लेस पे यूनिट uh, प्लेस पे नहीं आ रहे आप देखते हैं जो कि नंबर कौन कौन सा है ए, ए, नंबर जो होता है नंबर जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन ये डिजिट्स है अब कौन कौन सा डिजिट्स वन प्लेस पे आ रहा है देखिए यहाँ पे वन है तो वन आ रहा है ये आ रहा है फोर है फोर भी आ रहा है नाइन है नाइन भी आ रहा है सिक्स है सिक्स भी आ रहा है फाइव है फाइव आ रहा है फिर सिक्स आ गया था सिक्स नाइन भी आ गया था फोर भी आ गया था वन भी आ गया था और जीरो एक रह रहा था ये सारे नंबर रिपीट हो रहे हैं जीरो वन फोर फाइव सिक्स और नाइन छूट कौन कौन सा नंबर रहा, रहा है आपको ये टू और थ्री यानी टू और थ्री सेवन और एट ये कभी वंस प्लेस पे आएगा ही नहीं तो यहाँ पे यही कह रही है वन फोर नाइन सिक्स फाइव सिक्स नाइन फोर वन जीरो दे सिकवेंस ऑफ डिजिट रिपीटली विल कम अगेन एंड अगेन ये बार बार आ रहा है और ये पैटर्न कभी चेंज नहीं हो रहा है ये केवल छः डिजिट ही है जो बार बार आ रहा है जीरो वन फोर सिक्स नाइन और टू थ्री सेवन एट वन प्लेस पे कभी आ ही नहीं रहा है यूनिट प्लेस पे कभी आ ही नहीं रहा है तो इसीलिए कह रही है जो कि सेवन इज द यूनिट प्लेस ऑफ डिजिट 1027 ट्वेंटी सेवन में वन प्लेस पे क्या है यूनिट प्लेस पे क्या है सेवन तो सेवन है तो ये इज uh, 1027 द स्क्वायर ऑफ एनी होल नंबर ये किसी का होल नंबर का स्क्वायर हो सकता है सेवन आता ही नहीं है तो नहीं जीरो भी आता है तो जीरो देखिए डबल जीरो में आता है सिंगल जीरो या पेर में नहीं नहीं हो तो वो भी नहीं आता है, है? ठीक अब हमेशा की तरह आपको सवाल दिए जाते तो सवाल करने का प्रयास करें पहला सवाल आपके पास दिया हुआ है फाइन यूनिट प्लेस डिजिट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स ऑन स्क्वायरिंग जब स्क्वायर करेंगे इसका तो यूनिट प्लेस पे क्या आएगा यहाँ पे यूनिट प्लेस पे एट है तो एट को स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर करेंगे तो वंस प्लेस पे एट एट जा सिक्सटी फोर आ रहा है तो यानी यहाँ फोर आएगा वंस प्लेस पे सिक्सटी फोर तो वंस प्लेस पे फोर आया सिक्स का सिक्स ही आएगा यहाँ भी सिक्स है सिक्स का सिक्स ही आएगा वंस प्लेस पे नाइन का नाइन नाइन या एट्टी वन तो यानी वन आता है और ये एट का एट एट जा फोर आता है तो यानी अब दूसरा सवाल आपके पास दिया हुआ है टिक फ्रॉम द फॉलोइंग नंबर स्विच इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर इसमें से उस संख्या को टिक करो जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है तो हमने बत अभी बात की थी जब वंस प्लेस पे टू हो या थ्री हो या सेवन हो या एट हो तो वह परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है तो यहाँ देखते हैं किस किस में वंस प्लेस पे इस तरह की संख्या आ रही है तो एक तो ये है नहीं होगा ये भी नहीं होगा या फो यहाँ थ्री है ये भी नहीं होगा ये तीन है जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा ठीक है अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं अगला है फ्रॉम विथ फ्रॉम द फॉलोइंग नंबर विच नंबर विल नॉट अफेक्ट इट्स यूनिट प्लेस ऑन स्क्वायर और क्यूब क्यूबिंग यदि हम स्क्वायर इस, किसको कहते हैं तीन का स्क्वायर यानी तीन इंटू तीन तीन का क्यूब यानी थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री ये हम करेंगे तो नाइन आएगा और ये करेंगे तो थ्री थ्री जा नाइन थ्री जा ट्वेंटी सेवन आए तो ये है हम क्यूब कर रहे हैं तो ये कह रहा है जो कि कौन सी संख्या ऐसी है जिसको स्क्वायर या क्यूब करें तो कोई इफेक्ट नहीं होगा वंस प्लेस पे हम देखते हैं एट को करते हैं एट को करते हैं यदि एट से मल्टीप्लाई एट एट जा सिक्सटी फोर आता है तो ये तो चेंज हो रहा है फाइव को करेंगे तो फाइव को करेंगे फाइव का स्क्वायर क्या हो जाएगा ट्वेंटी फाइव और फाइव का क्यूब क्या होता है वन ट्वेंटी फाइव तो यही रहता है फाइव का हमेशा फाइव ही रहता है तो एक तो ये है वन का भी देखते हैं वन को किसी भी संख्या से वन इंटू वन 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 का इंटू वन इंटू वन ये भी वन ही रहेगा तो ये भी इफेक्ट नहीं होगा सेवन का सेवन सेवन या फोर्टी नाइन ये चेंज हो रहा है तो uh, और ये सिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो सिक्स सिक्स जा ट्वेंटी सेवन सिक्स सिक्स जा थर्टी सिक्स का सिक्स आए सिक्स का फिर करेंगे थर्टी सिक्स को सिक्स से करेंगे तो टू वन टू वन सिक्स आता है तो इसका सही आंसर हुआ आपका ये ये और ये ये गलत गोला लगा हुआ है तो ये तीन इसका सही आंसर है जो कि स्क्वायर करें या क्यूब करें तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता ठीक है बच्चों उम्मीद है समझ में आ गया होगा अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा धन्यवाद